जो सरकार अपनी ही बेकसूर प्रजा पर हमला करती हो उसे सभ्य कहलाने का कोई हक नहीं है। याद रखना, ऐसी सरकार ज्यादा दिन राज नहीं कर सकती। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरे ऊपर पड़ा एक एक प्रहार अंग्रेज सरकार के ताबूत की कील साबित होगा। ये बातें पंजाब के शेर लाला लाजपत राय ने कही थी। पंजाब वीरों की धरती है। लाला लाजपत राय लाल बाल और पाल की जोड़ी में से एक थे जिन्होंने अत्यंत वीरता और निस्वार्थ भावना से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया था। उनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के फिरोजपुर जिले के दूधिके गांव में 28 जनवरी 1865 को हुआ था। उन्होंने गांव से ही अपनी शिक्षा आरंभ की और फिर लुधियाना के मिशन हाई स्कूल में पढ़ने गए। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे जिसकी वजह से उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली थी। बाद में उन्होंने वकालत की शिक्षा पूरी की और हिसार में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। वो स्वभाव से ही बड़े भावुक और सामाजिक रूप से जागरूक थे। दूसरों की मदद करना उनके स्वभाव में था। इसी वजह से वो स्वामी दयानंद द्वारा छेड़े गए आर्य समाज के एक आंदोलन से ज्यादा समय तक अप्रभावित नहीं रह पाए। आर्य समाज उन दिनों धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों को खत्म करने के लिए लोगों को जागरूक करने का अभियान चला रही थी। लाला जी भी आर्य समाज के साथ काफी उत्साह पूर्वक काम करने लगे। उन्होंने हिसार में एक संस्कृत स्कूल खोला और लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। 1899 में जब देश में भीषण सूखा पड़ा था तब उन्होंने लोगों की मदद के लिए जान लगा दी थी। उन्होंने पहली बार 1888 में प्रयाग में कांग्रेस की मीटिंग ज्वाइन की और 1905 में कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान बनी जब उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले के साथ बंगाल के बंटवारे की खिलाफत करने इंग्लैंड भेजा गया। इसी दौरे के बाद अंग्रेजों के बारे में उनका नजरिया भी बदल गया। उन्होंने कहा कि देशवासियों को इन अभिमानी शासकों की दया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए खुद को ताकतवर बनाना चाहिए। लाला जी एक कुशल वक्ता थे। स्वामी दयानंद की मृत्यु के समय दिया गया उनका भाषण आज भी याद किया जाता है। वो जितना अच्छा बोलते थे उतना ही अच्छा लिखते भी थे। उन्होंने एक मंथली अखबार यंग इंडिया का प्रकाशन शुरू किया और सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर इंडिया, अनहैप्पी इंडिया और इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया जैसी किताबें भी लिखी। वो हमेशा से गरीबों के मददगार थे और कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद और आर्थिक शोषण के खिलाफ थे। वो इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कॉलोनाइजेशन बिल का भी विरोध किया था जिसके अनुसार अगर किसी इंसान का कोई वारिस ना हो तो उसकी संपत्ति सरकारी हो जाने का नियम बनाया जाना था। इसके लिए उन्हें 6 महीने के लिए बाहर रहने की सजा भी दी गई थी। दोस्तों, उन्हें अपनी देशभक्ति के लिए बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ी और कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की बनाई स्वराज पार्टी ज्वाइन की और इसी पार्टी से चुनाव जीते। इस समय तक भारत के विकास के बारे में रिपोर्ट बनाने के लिए अंग्रेज सरकार ने साइमन कमीशन का भी गठन कर लिया था जिसका भारत में जमकर विरोध हुआ क्योंकि इसमें सिर्फ अंग्रेज थे और कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। दोस्तों, लाला लाजपत राय भी इसके विरोध में थे और 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला जी की अगुवाई में इसका विरोध हुआ। इस विरोध को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और पुलिस ने भीड़ भगाने के लिए लाठी चार्ज भी किया। एक ब्रिटिश ऑफिसर साउंडर्स ने लाला जी को बहुत मारा जिसकी वजह से वो बहुत घायल हो गए। बाद में 17 नवंबर 1928 को लाला जी ने आखिरी सांस ली। उनकी मौत का शोक देश भर में फैल गया और महात्मा गांधी ने कहा कि जब तक सूरज भारत के आसमान में चमक रहा है लाला जी नहीं मर सकते। लाला जी ने जवानी से ही देश की सेवा की है। लाला जी को अपनी देशभक्ति और साहस के लिए हमेशा याद किया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे जिन्हें देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी दर्पण को ये बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। आपके छोटे से प्रयास से हमें प्रोत्साहन मिलता है।